प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और अपने उर्दू के लेक्चर के इंतजार भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो ग्रामर का काम है। आप थोड़ा अपना कॉपी का पेज रेडी कर लें इसके मुताबिक। जी प्यारे बच्चे, अपनी कॉपी निकाल लें।
एलिवेटर निकालिए, तो अभी आपने रेडी कर लिए सारी। जी प्यारे बच्चों, आप सब ने अपना उर्दू का जो काम करना है वो ग्रामर का काम है, और ग्रामर के काम में प्यारे बच्चों हम आज हाथ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग निकालें जल्दी से, और हम इससे पहले कि हम हाथ लिखना शुरू करें, मैं इसके मतलब आपको कुछ बताना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, खत रबते का बेहतरीन और कम खर्च जरिया है। इसकी तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। खत को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर जदीद दौर में बिलाशुबा रबते और पैगाम रसाने के बहुत से नए तरीके वजूद में आए, मगर बच्चों खत की अहमियत अपनी जगह पर आज भी बरकरार है। अब हम खत और खत के हिस्सों के मतलब से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, खत लिखते हुए जो हम सबसे ज़्यादा उसकी अहम हिदायात हैं वो भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लें कि प्यारे बच्चों, खत लिखते हुए सबसे पहले जो लिखा जाता है वो है मकाम रवानगी और तारीख। यानी सबसे पहले हम जो लिखते हैं ना कमरा इम्तहान, और उसके बाद नीचे तारीख लिखते हैं, और सब ये बच्चों दाईं तरफ लिखी जाती है, और जहाँ से आप खत लिख रहे हैं उसके नीचे तारीख लिखें, और तारीख को उर्दू में लिखें। यानी कि जैसे आप हमारे यहाँ 26 है तो 26 तरह जैसे आपने उर्दू में लिखे 26 मई, और आगे ये इस तरह डेट लिखेंगे। उसके बाद बच्चों अलकाब जो है वो खत का एक अहम हिस्सा है। तारीख के नीचे यानी तीसरी सतर लाइन पर दरमियान में जिसको खत लिखा जा रहा है उसका ओहदा या लफ जो है वो लिखते हैं। जैसे अगर आप अपने अब्बा जान को खत लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान, अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त। तो इस तरह जैसे यानी कि रिश्ते होते हैं, जैसे आपके दोस्त वगैरह उसके हिसाब से आपने उनके एहतराम जो नाम है वो लिखने हैं साथ। उसके बाद प्यारे बच्चों अदाब यानी सलाम और दुआ, अदाब के बाद यानी चौथी लाइन पे वो शुरू में अदाब अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मसनू या दुआ अल्फाज आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे आता है नफ्से मजमून। जिस मकसद या गर्ज से खत लिखा जा रहा है उसे नफ्से मजमून कहते हैं। अदाबो तस्लीमात के बाद वो बातें लिखना शुरू करें जो आप लिखना चाहते हैं। खत का मजमून आसान, खुशखत, सादा, मुख्तसर और आजिजाना होना चाहिए। आसान जबान में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद खात्मा, जब यानी कि आखिर में आप लिखेंगे दुआया कलमात। तो प्यारे बच्चे, जब आप अपनी बात पूरी लिख चुके तो उनको दुआया कलमात के साथ खत को खत्म करें, और सबसे आखिर में प्यारे बच्चे दुआया कलमात और अदाब के बाद खत के आखिर में बाएं तरफ अपना नाम मुख्तसर तहरीर करें। प्यारे बच्चों, ये तो थे कुछ मैंने आपको बताए, इसके हिदायात बताई हैं। अब हम एक इसमें से हम खत लिखना शुरू करते हैं। प्रोफेसर से ग्रामर लिखे, उसके बाद लिखें उसके बाद यहाँ लिखें खत। और खत्म लिख रहे हैं दोस्त को छुट्टियों में बुलाने का अर्थ।
छुट्टियों में बुलाने का हक। अब जैसे आगे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, जी अब हम इसको जब हक को लिखना शुरू करेंगे मार्जिन लाइन के हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। जी मेरे बच्चों हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कमरे इम्तहान। ये लिखे यहाँ पर हम कमाल वाले देश के साथ पहले लिखें कमरा इम्तहान। इसके बाद आगे आप लिखेंगे आज की तारीख 26 मई। इस तरह आप तारीख लिखेंगे। इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे प्यारे दोस्त। आप यहाँ पर अपने दोस्त का नाम भी साथ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम लिखने के बाद यहाँ पर भी आप हर्ष में लिखते हुए सबसे पहले अपनी हैरियत बताते हैं फिर अगलों को पूछते हैं। क्योंकि हमारा सवाल जुमला यहाँ पर बन गया है तो हम यहाँ पर लिखें आपका क्या हाल है। इस तरह के बहुत ही ज्यादा अच्छा था भाई का जैसे आपका क्या हाल है।
जी बच्चों लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, मैंने अभी तक लिखा है प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, मैं गुरियत हूँ, आपका क्या हाल है? यकुम जून से मैं स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों मेरे साथ साथ लिखते जाए। मैं कहरियत हूँ, आपका क्या हाल है? यकम जून से हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप गर्मियों की ये छुट्टियां मेरे पास लाहौर में गुजारें। जी बच्चों लाहौर के तारीखी मकामात, जी
जी बच्चों हम आगे लिखे हैं, आप आगे इसको अगर हम देखें हमने क्या लिखा है, कमरा इम्तहान 26 मई 2021 के बाद प्यारे दोस्त, ये आपने सदर यहीं पे छोड़ देनी है। उसके बाद 20 सदर पे आपने प्यारे दोस्त लिखे, ये भी छोड़ देनी है और इधर से भी छोड़ देनी है। उसके बाद अगली सदर पर आप लिखें अस्सलामुअलैकुम, उस जगह लगा के आपने ये सदर भी छोड़ देनी है। उसके बाद आपने लिखना है मैं पगड़ियत हूँ, आप सबका क्या हाल है, यकम जून से हमें स्कूल से घर में उसकी छुट्टियाँ हो रही हैं। मैं चाहता हूँ और गर्ज लिखेंगे यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि आप गर्मियों की ये छुट्टियाँ मेरे पास लाहौर में गुजारें। हम वक्त पर पढ़ाई भी करेंगे और लाहौर के तारीखी अब देखते हैं जी। मेरे बच्चों बागात और मकामात और बागात की सैर भी करेंगे।
जीवन जो लाहौर के तारीखी मकाम और बागात की सैर भी करेंगे, हमें जान और बाजान भी आपके आने के मुंतजिर हैं। आप आने से पहले मुझे इतला जरूर दे देना, मैं आपको लेने स्टेशन पहुंच जाऊंगा। इसके बाद इसने अगली सतह पर बुलाइन आपने वहीं पर छोड़ देनी है। सब घर वालों को बहुत बहुत सलाम। उसके बाद आप यहां लिखेंगे आपका डिवोर्स। आपका हो यहां पर प्यारे बच्चों आपने अपना नाम लिखना है। ये यहाँ पर आपने अपना नाम लिखा है। ठीक है बच्चों, जरा देखिए तो हमने क्या काम लिखा है सारा। जी अब हम इसको सारे भाग को पढ़ के देखते हैं हमने क्या लिखा है। मेरे बच्चों सबसे पहले हमने अपने कॉपी पर तारीख और ये लिखा, उसके बाद हम लिखे ग्रामर हर्ष दोस्त को छुट्टियों में बुलाने का हर्ष। अब इसमें हमने बच्चों सबसे पहले जो लिखा है वो है कमरा कमान, आगे कोमा लगाएंगे और आगे से ये जगह छोड़ देंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे और आगे से ये सतर्कियां छोड़ देंगे। फिर तीसरे सतर्क पर हम यहाँ से कुछ छोड़ेंगे लाइन, जहाँ तक हमारी तारीख आई है उससे आगे आप लिखेंगे प्यारे दोस्त। मैंने आपको कहा था कि आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो, तो जो गर्ल्स है वो लिखेंगी प्यारी दोस्त। इसके बाद आगे है प्यारे बच्चों आपने अगले सतह पर लिखना अस्सलाम वालेकुम और जय लगाना है। जहाँ पर आपका अस्सलाम वालेकुम खत्म होगा वहां पर आपने आगे लिखना है मैं बहरियत हूँ, आपका क्या हाल है। क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा है कि ये सवालिया जुमला बन गया। अब इसके बाद आगे जब हम जून से हमने जून से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, मैं चाहता हूँ गर्ल्स लिखेंगे यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप गर्मियों की ये छुट्टियां मेरे पास लाहौर में गुजारें। इसके बाद आगे आप लिखेंगे हम वक्त पर पढ़ाई भी करेंगे और लाहौर के तारीखी मकामात और बागात की सैर भी करेंगे, अम्मी जान और अब्बा जान भी आपके आने के मुंतजिर हैं। आप आने से पहले मुझे इत्तला जरूर दे देना, मैं आपको लेने स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आपने लिखना मैं स्टेशन कर सकेंगे मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी। अब इसके बाद आगे आपने बच्चों ये लाइन यहीं पे छोड़ देनी है और अगली लाइन पर आपने इतनी लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना है सब घर वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरे बच्चे अक्सर मैं आपको जब कहती ना ये यहाँ से थोड़ी सी लाइन छोड़नी है आप यहाँ पर बहुत ज्यादा से छोड़ देते हैं,
बस आपने इतने छोड़ लिया है, दो या तीन लफ्जों की जगह छोड़ दी होती है। उसके बाद आगे आप लिखेंगे वसलाम और नीचे आप लिखेंगे आपका दोस्त, यहाँ गर्ल्स लिखेंगी आपकी दोस्त, और उसके बाद आपने बच्चों यहाँ पर अपना नाम लिखना है जी। नाम ये आपने नाम लिखने लिए, ये नाम साथ नहीं लिखना, सिर्फ आपने अपना नाम अब्दुल रहमान या जो भी आपका गर्ल्स में से समिया जो भी नाम है आपने वो लिखना है यहाँ पर, ये सारा नाम नहीं लिखना। तो मेरे बच्चों उम्मीद है मेरे लिए आपको समझ आ गई होगी सारे हक की और आपने इसको लिखी है। तो पहले बच्चों अब हमारे लेक्चर का आज का वर्क खत्म हो रहा है। तो पहले बच्चों आपने बहुत नई प्यारा काम करना है और इसको लिख भी लेना है बहुत अच्छा सा और याद भी करना है। लिख तो ले लिया होगा आपने मेरे साथ, उसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। तो मेरे बच्चों अब इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सेवन का 6